हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहिल मोरडिया। आज हम खड़े हैं सूरत के 3 किलोमीटर लंबे वॉकवे पे जो अभी नया नया ओपन हुआ है। अगर आपने मेरा चैनल साहिल मोरडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन दबा दे और लाइक शेयर करना ना भूले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वॉकवे आया है सूरत वेसू, ये है पार्किंग एरिया, ये हमने इको यहाँ पे पार्क की है। ये पार्किंग एरिया है, ये पूरा आगे तक 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये वॉकवे। ये हम अंदर आ गए हैं, काफी खूबसूरत है ये एरिया। इसके बीच में से कैनाल गुजर रही है, छोटी सी कैनाल है। ये दूसरी तरफ का पार्किंग एरिया है। ये कुछ शॉप बने हैं, अभी फिलहाल सब खाली है क्योंकि नया नया ओपन हुआ है, इसे कोई नहीं है। और इधर रेस्ट एरिया जहाँ पे आप कुछ भी लेके खाना खा सकते हैं। ऐसा है कुछ है एरिया, छोटी सी शॉप है और ये मैं साहिल मोरडिया और ये मेरा फ्रेंड ब्रिजेश सारोलिया। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर से? शर्म आ गए इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। आइए कंटिन्यू करते हैं। 6 शॉप है, आइए अंदर चलते हैं। ये अंदर का वॉकवे है, ये कैनाल है बाजू में और ये टॉयलेट ब्लॉक है। उस तरफ चिल्ड्रन प्ले एरिया है। इधर बैठने के लिए जगह बनी हुई है, साइड में कैनाल जा रही है। उस तरफ छोटा सा ब्रिज है, उसको क्रॉस करके उस तरफ चिल्ड्रन प्ले एरिया में जा सकते हैं। इधर सब छोटी छोटी राइड्स है जो बच्चे खेल सकते हैं। उस तरफ कुछ एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये स्लाइड है, स्विंग है, ये सब ब्यूटीफुल ग्रीनरी है। सब पूरा यहाँ से वहाँ तक और उसके आगे है, पार्किंग एरिया के आगे वहाँ तक फैला हुआ है ये वॉकवे। पूरा दोनों तरफ से कवर किया हुआ है कैनाल को। थोड़ा शोर है यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड से गाड़ियाँ गुजरती है, बाकी वैसे पीसफुल है थोड़ा।
काफ़ी अच्छा है, मार्बल का सब बनाया ग्रेनाइट का और ये कोटा लगा के, काफ़ी सुंदर पेड़ पौधे हैं और हर जगह पे ऐसा बैठने के लिए बेंचेस बने हुए सीमेंट की कॉन्क्रीट की स्ट्रीट लाइट से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ये सूरत का वेसु एरिया है, वहाँ पे सब बनाया हुआ है। एक ये और एक ब्रिज आ गया केनाल को क्रॉस करते हुए। ये पूरा एक स्ट्रीट बनाया हुआ अंदर से, आप व्यू देख ही पा रहे हैं, काफी खूबसूरत है। ये लॉन बनी है ब्यूटीफुल, अगर कोई सूरती मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आपको इस पत्थर की कसम, नवरात्रि चल रही माता की कसम। मजा कर रहा हूँ, आपकी इच्छा आपको करना हो तो। ये आप देख पा रहे अपार्टमेंट, उस तरफ है और ब्रिज है। फिर भी एक सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इतनी गर्मी में मैं और मेरा फ्रेंड चलते चलते आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। उस तरफ गेट आ गया है, अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो वॉचमैन डंडा मारेगा। बस ऐसे ही है पूरा उस तरफ भी, काफ़ी अच्छा प्लेस है। और भरी दोपहर में मत आना क्योंकि गर्मी लगेगी जैसे हम आए हैं। इसमें कई पेड़ पौधों को नुकसान नहीं किया हुआ है, उल्टे ज़्यादा डाले होंगे। बाकी जो पुराने कई साल पुराने पेड़ है उसको जैसा था वैसे ही रहने दिया है। पत्थर के इधर बॉर्डर बना के उसके अंदर उसका बना दिया, जो कहते हो मुझे मालूम नहीं है। बाकी ये सब एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल है, पीसफुल भी है। बाकी रोड है दोनों तरफ तो थोड़ा शोर तो ले गए, इसी कुछ पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है सूरत का ऐसे। सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रीट बनी हुई है, बैठने के लिए बेंचेस बनाई हुई है। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।
कुछ ज़्यादा है नहीं, सब एक जैसा ही है पूरा। उस तरफ भी वहाँ पे थोड़ा बड़ा प्ले एरिया है, चिल्ड्रन प्ले एरिया इधर है, वहाँ पे बड़े लोगों के लिए क्रिकेट वॉलीबॉल वो सब खेल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना माता जी पाप करेगी क्योंकि नवरात्रि चल रही है। और ऐसा सब पत्थर से बनाया हुआ है, उस तरफ यूनिवर्सिटी है, पेड़ के पीछे दिखाई नहीं दे रही होगी वो बिल्डिंग है, उसके पीछे वीर नर्मद गुजरात यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया करूं। और मेरा मेन वीडियो का जो कंटेंट है वो तो मेरी मारुति इको और सब छोटे छोटे कार ट्रेलर से जो नई कार लॉन्च होती है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है, आई थिंक 30 से 40 या 50 फोर व्हीलर पार्क हो सकती है ऐसे खड़ी रखे तो। यहाँ पे पुलिस वाले आराम कर रहे हैं। ये है पार्किंग एरिया, आप ये देख पा रहे हैं पेड़ कहीं से भी कटे नहीं है, पूरा नेचर का ध्यान रखते हुए सब काम किया है। और यहाँ से एग्जिट होने का रास्ता, उस तरफ दूसरा एरिया चालू होता है वॉकवे का। आप ये देख पा रहे हैं, आप ये पूरा देख पा रहे हैं कि पूरा कितना लंबा फैला हुआ है एरिया, उसके बीच में से कैनाल गुजर रही है, ये रेलिंग आप देख पा रहे हो कैसा है। ये बड़े लोगों के लिए प्ले एरिया आ गए हैं, यहाँ पे क्रिकेट वॉलीबॉल ये सब प्ले कर सकते हैं। बाकी पूरा नीट एंड क्लीन है, पर थोड़ा पतझड़ का मौसम है इसलिए थोड़े पत्ते गिरे हुए। ये दूसरा चिल्ड्रन प्ले एरिया है, गाड़ी की वजह से कुछ ठीक से नहीं दिखा होगा। यहाँ से मुड़ जाएंगे, उस तरफ भी है और वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं, वो सेम ही होगा पूरा उस तरफ तक। Thank you.